उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से सूबे की सत्ता संभाले हैं, तब से सूबे की स्थिति सुधारने के लिए ताबड़तोड़ फैसले करते जा रहे हैं, लेकिन उनके फैसलों का असर जमीनी स्तर पर कम ही देखने को मिलता है। तमाम ऐसे फैसले रहे जिसकी आगाज तो अच्छी रही, लेकिन अंजाम तक पहुंचने से पहले ही मुंह के बल गिरता जा रहा है। जहां योगी ने प्रदेश के सभी सड़कों को 15 जून तक गड्ढा मुक्त करने का निर्देश जारी किया था, वही बनारस जैसे शहर में, जो कि मोदी जी का संसदीय क्षेत्र, भी सड़कों का हाल उलट गड्ढा मुक्त के जगह गड्ढा युक्त होता जा रहा है। वाराणसी जिले के प्रमुख बाजार पांडेपुर से लगभग 2 किलोमीटर दूर आजमगढ़ रोड पर पिछले 15 दिनों से LNT कंस्ट्रक्शन द्वारा लालपुर दौलतपुर तिराहे पर सड़क के बीचों बीच पाइपलाइन के चैम्बर का काम किया जा रहा है। ठीक उसके बगल में सीमेंट के बड़े बड़े पाइप रखे गए हैं, जिससे पूरी सड़क पर उनका कब्जा हो चुका है। जो कुछ जगह बची है उसी से राहगीरों का आना जाना होता है। जगह न होने के कारण दिन रात जाम लगा रहता है। कार्यदायी संस्था की बड़ी बड़ी गाड़ियां भी रोष मार्ग अवरुद्ध किए रहते हैं, जिसके कारण आए दिन राहगीरों के गिरने और गाड़ियों के फंसने की घटनाएं होती रहती है। लेकिन न यहाँ पर किसी संबंधित अधिकारी न ही कार्यदायी संस्था की नजर पड़ रही है, शायद वो किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं।